दुनिया में मुतअद्दिद फासिस्ट लीडर आते रहे हैं जो अपने फासिस्ट नजरिए की तकमील के लिए गैर मामूली इकदाम करते रहे हैं और गैर मामूली मकबूलियत भी हासिल करते रहे हैं, लेकिन उनका तर्ज सियासत, अनापरस्ती, रवैया और उनके सफर का अंजाम मुल्क की तबाही की सूरत में ही निकलता रहा है। और एक ऐसा लीडर आया भी जो इस कदर खुद पसंदी में मुबतला था कि किसी को खुद से बेहतर समझने के लिए तैयार ही नहीं था। और उसकी ख्वाहिश थी कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज वही रहे और जो भी हो उसकी मर्जी से हो। इस लीडर को ना सुनने की आदत नहीं थी, मगर हाँ कहने वालों की हिमायत भी हासिल नहीं थी। और ये मकाम हासिल करने के लिए अवामी मकबूलियत बहुत ज़रूरी थी, और अवाम में मकबूल होने के लिए इस लीडर ने सियासी निज़ाम से मुतालिक अवाम में मौजूद नाराजियों और खदशात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। मुआशरे में मौजूद बेरोज़गारी, भूख और नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाना शुरू कर दी और लोगों को बावर कराया कि वो एक लीडर नहीं है बल्कि उनके हकूक़ का मुहाफिज़ है, जबकि मुखालफी लुटेरे हैं, मुनाफिक हैं, गद्दार हैं। फिर इस लीडर ने अपनी कौम की बदहाली की वजह बैरूनी कुव्वतों को करार देना शुरू कर दिया, बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त ना करने का नारा लगा दिया और दावा किया कि उसकी कौम का फ़खर मिट्टी में मिला दिया गया है, इसकी अखलाकियात तबाह कर दी गई हैं और मुल्क में मौजूद सियासी कुव्वतें और मुख्तलिफ गिरोह बैरूनी कुव्वतों से मिले हुए हैं और बैरूनी कुव्वतें अपने मफादात के लिए उन पर सरमायाकारी कर रही हैं। फिर इस लीडर ने इस बयानिए पर काम करने के लिए कई साजिशी नजरियों पर काम शुरू किया और अवाम की एक बड़ी तादाद इस लीडर पर अंधा एतमाद करने लग गई। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लीडर को तकारीर का फन आता था, वो झूठ भी इस एतमाद से बोलता था कि लोग उसे सच मांगने लग गए थे। लेकिन इस पूरी हिकमत अमली के बावजूद इस लीडर को इक्तदार तक पहुंचने के लिए जो अवामी हिमायत की ज़रूरत थी वो उसके पास नहीं थी, जिसके बाद इस लीडर ने खुद को मजीद अवामी बनाने के लिए एक मखसूस लिबास पहनना शुरू कर दिया, एक मखसूस स्टाइल अपना लिया और देखते देखते लोगों में इसका स्टाइल एक फैशन बन गया। इस फासिस्ट लीडर की पार्टी मकबूल होती गई, उसके नारे मकबूल होते गए, मगर इसके बावजूद कौमी लीडर बनने का सफर आसान नहीं था क्योंकि मुल्क में मौजूद दीगर सियासी जमातों की गिरफ्त इक्तदार पर मजबूत थी और इस लीडर को एहसास हो गया कि अगर इसने इक्तदार में आना है तो अपनी पार्टी को एक ब्रांड बनाना है और खुद को एक मसीहा, एक निजात दहिंदा के तौर पर पेश करना है। अपनी पार्टी को एक ब्रांड बनाने के लिए इस लीडर ने एक फोर्स पर काम करना शुरू कर दिया जो नौजवानों और वफादारों पर मुश्तमिल थी और वो इस लीडर की हर बात पर लबैक कहने पर तैयार थी बिना ये सोचे कि वो बात सही है या गलत। और फिर हुआ भी यही, इस लीडर ने अपने पीछे एक बड़ी फोर्स कायम कर दी और लोग इस लीडर के हक में मार्च करने लगे। वो लीडर जो कुछ अर्सा पहले तक चंद सौ लोग मुश्किल से इकट्ठा कर पाता था, इसने हजारों लोगों के मजमे से खिताब करना शुरू कर दिया और खिताब और जलसों का एक ऐसा अंदाज अपनाया कि लोग इसे नजरअंदाज ना कर पाए। और इसी दौरान वो गरीबों को यकीन दिलाता रहा कि दौलत एक मखसूस तबके तक महदूद है और इसे अशराफिया के हाथों से निकालकर अवाम की हुकुमरानी कायम की जाएगी, रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे, यौमिया उजरत को बढ़ाया जाएगा, किसानों को उनकी जमीन दी जाएगी, इंडस्ट्री को बेहतर बनाया जाएगा, कौम की इखलाकियात को जिंदा किया जाएगा, उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाया जाएगा। जिसके बाद इस लीडर ने एक टीम सिलेक्ट की जिसका मकसद उसके पैगाम को बगैर कोई सवाल उठाए आगे बढ़ाना था। इस टीम में ऑर्गेनाइजर्स शामिल थे जिनका काम पार्टी के जलसों और रैलियों के इंतजामी मामला देखना था और उस टीम में साबिक फौजी भी शामिल हो गए जिनका काम मुखालिफिन की आवाज़ को दबाना था। फिर इस लीडर के साथ मुल्क के अमीर तरीन लोग भी आ गए और उन्होंने इस लीडर को इक्तदार में लाने के लिए इस पर सरमायाकारी शुरू कर दी, यानी इस लीडर को अवामी हिमायत मिलना शुरू हो गई, सरमायाकार मिलना शुरू हो गए, बड़े बड़े सनतकार और मीडिया टाइकून्स ने इस लीडर के सियासी मुहिम के अखराजात उठाए। लेकिन इस लीडर को ऐसे लोगों की तलाश थी जो इस लीडर के झूठ पर मबनी पैगामात को एक बयानिया बनाकर अवाम को जहन नशीन करवा दे। और फिर इस लीडर को ऐसे लोग मिले भी जिन्होंने वफादारी का वादा किया और प्रोपेगेंडा करने के लिए जदीद मीडिया का इस्तेमाल किया, एक बाकायदा नेटवर्क बनाया और इस बात पर इत्तफाक किया कि हर जलसे में, हर तकरीर में एक ही बात को बार बार दोहराया जाए, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, मगर उस बात पर जोर दिया जाए और बार बार दिया जाए, इतनी बार दोहराया जाए कि झूठा प्रोपेगेंडा भी सच लगने लगे। और हुआ भी यही, देखते देखते एक ही किस्म का बयानिया ज़राए अबलाग के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर दिया जाता जिसकी वजह से इस लीडर के हामी तो क्या, मुखालफीन को भी उसकी बातें याद हो गई। वो कर्जों में डूबी हुई कौम को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने का वादा करता रहा, दावा करता रहा, मगर ये सब करने के बाद भी इस लीडर को इख्तदार नहीं मिला। और एक दिन इस लीडर ने हुकूमत का खात्मा करने के लिए मुल्क की अहम शहराओं पर मुजाहरा शुरू कर दिया, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया और इस कार्रवाई में मुल्क का एक नामवर फौजी जर्नैल भी इस लीडर के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि ये लीडर उसे वादा कर चुका था कि हुकूमत का खात्मा होगा तो वो उसे मुल्क की फौज का सरबरा बना देगा। मगर मुजाहिरों और पुरतशद्दुद वाकयात के बावजूद इस लीडर को इख्तदार नहीं मिला और उस वक्त की हुकूमत ने इस पर मुकदमात बनाए, मगर इस फासिस्ट लीडर ने हार नहीं मानी क्योंकि इसे एहसास हो गया था कि अब इसकी कौम के पास और कोई मुतबादिल नहीं है। वक्त बदला, हालात बदले, मुल्क की सियासी सूरत हाल बदली और फिर मुल्क में इंतखाबात हुए तो इस लीडर की पार्टी ने हैरानकुन तौर पर 30% से ज्यादा वोट हासिल कर लिए, अक्सरियत नहीं मिली, मगर इस फासिस्ट लीडर ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया
कि उसके बगैर हुकूमत बनाना मुश्किल हो गया, और फिर देखते देखते ये लीडर मजीद मकबूल होता गया, और फिर ये फासिस्ट लीडर एक कोलिशन हुकूमत का सरबरा बन गया, और फिर इस लीडर ने अपने फासिस्ट नजरियात की तकमील के लिए कानूनी गैर कानूनी इखलाकी गैर इखलाकी सही गलत तमाम इकदाम उठाए, इदारों को यरगमाल बना लिया। जिस शख्स से इस लीडर को खतरा या इख्तलाफ था उसे गिरफ्तार करवाया गया, सियासी जमातों को दीवार से लगाया गया, ओपोजिशन को सिरे से खात्मा करने की कोशिश की गई, मीडिया का गला घोट दिया गया, आजादी इजहार राय को दबा दिया गया। ऐसे कानून बनाए गए जिससे सारे अख्तियारात इसके पास आते गए, बगैर सबूत की गिरफ्तारियों के लिए कानून मंजूर कराए गए, और लोगों में यह खौफ फैला दिया गया कि मुल्क खतरे में है, और खुद को एक बहादुर लीडर के तौर पर पेश किया और वादा किया कि वो इस कौम को इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाएगा। मगर इस मुल्क का खोया हुआ मकाम तो वापस नहीं आया, वो मुल्क मजीद पस्ती में चला गया। एक जमाना था कि ये लीडर अपनी कौम के लिए एक हीरो था, और आज इस लीडर की ओनरशिप भी कोई लेने को तैयार नहीं है। जिस फासिस्ट लीडर की बात हो रही है वो एडोल्फ हिटलर है, जिसने आज से 77 साल पहले आज ही के दिन यानी 22 अप्रैल को अपनी शिकस्त करीब देखकर इश्तियाल में आकर कहा कि मैं बर्लिन में आखिरी दम तक रहूंगा, और भागने के बजाय खुद को गोली मार दूंगा, और उसके 8 दिन बाद हिटलर ने अपनी अहलिया के साथ खुदकुशी कर ली। आज हिटलर को पूरी दुनिया जानती है। शायद हिटलर जैसी मकबूलियत किसी लीडर को मिली हो, लेकिन वो मकबूलियत अच्छाई के लिए नहीं थी। हिटलर को आज भी लोग याद करते हैं तो एक नस्लकुश पागल और एक फासिस्ट लीडर के तौर पर याद करते हैं। ये तो माजी की बात थी, मगर मौजूदा दौर में भी एक ऐसा लीडर है जो कहता तो खुद को जमहूरी है लेकिन रवैया आमराना है। ये लीडर मकबूल नारे लगाकर इक्तदार में आया, कहा कि वो सबसे पहले अपनी कौम की बात करेगा, दूसरे ममालिक की जंगों में शामिल नहीं होगा, मुल्क को कौमी खसारा खत्म कर देगा, मुखालफिन को जेल में डाल देगा। हर रोज जज्बाती तकारीर और ट्वीट करता रहा। इस शख्स ने अपनी पार्टी में आमराना कल्चर पैदा कर दिया। इख्तलाफ करने की गुंजाइश नहीं थी, इख्तलाफ करने वालों का मजाक उड़ाया गया या उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई, सवाल उठाने वाले मीडिया ग्रुप्स को जानिबदार और झूठा करार दिया गया, उनके साथियों का बायकॉट किया गया, अपनी तकारीर में मीडिया ग्रुप्स का नाम लेकर उन पर इल्जाम आयद किए गए। ये लीडर हर वक्त अपनी बात करता था, इसमें बहुत मैं थी, अना भी बहुत थी, और जब अवाम ने इस लीडर को मौका फराहम किया और वो डिलीवर नहीं कर सका, नतीजतन इस लीडर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वोटिंग के जरिए इस लीडर को निकाल दिया गया, मगर इस लीडर ने शिकस्त मानने से इनकार कर दिया, मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा कर दिया। आखिरी वक्त तक कोशिश की कि कोई रास्ता निकल आए ताकि वो इक्तदार में रहे, मगर जब कोई रास्ता नहीं निकला तो इस लीडर ने कई इल्जाम आयद किए, एक साजिशी नजरिया ईजाद किया, अवाम को सड़कों पर आने का कहा, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया, और मुल्क की आजादी को बुनियाद बनाकर तमाम गैर आईनी इकदाम को एक कौमी खिदमत करार दे दिया। और जब इस लीडर को पार्टी के कुछ लोग भी इसके खिलाफ हो गए तो इसने उनको भी बदनाम करना शुरू कर दिया, धमकियां देना शुरू कर दी, और खौफ की वजह से उसके अपने पार्टी के मुनरिफ अराकीन राय देने के लिए पार्लियामेंट में जाने के लिए हिफाजती इकदाम करके गए, सिक्योरिटी की गारंटी लेकर गए, और दूसरी तरफ आखिरी वक्त तक ये लीडर इक्तदार से चिमटा रहा, और इस दौरान एक ऐसी बहस का आगाज कर दिया कि अवाम इसकी कारकर्दगी पर बहस कम और उसके झूठ पर मबनी बयानी पर ज्यादा बात करने लगे। अहम बात यह है कि शिकस्त के बावजूद ये लीडर अपने हामियों में इतना मकबूल हो गया कि वो शिकस्त कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं थे। इसके हामी उसकी आमराना तर्ज हुकूमत के बावजूद इसे हीरो करार देते रहे, एक विक्टिम करार देते रहे, एक ऐसा लीडर करार देते रहे जिसके साथ ज्यादती हुई है, और आज भी उसके लिए हमदर्दी रखते हैं। जिस लीडर की बात हो रही है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने अमरीकी सियासत को तहस नहस करके रख दिया था, और उनके हामियों की तरफ से कैपिटल हिल की इमारत पर हमले को आज 16 महीने हो गए हैं, और ट्रंप को इक्तदार से गए भी तकरीबन 16 महीने हो गए हैं, मगर ट्रंप ने अमरीकी सियासी निज़ाम को जो नुकसान पहुंचाया उसका खमियाजा वो आज भी भुगत रहे हैं। अमरीकी मुआशरे में जो नफरत का बीज बोया गया उसकी नशोनुमा आज भी हो रही है।